कहा बाबा लेने आए ना हाथ उठा कर बोलो बाबा चमत्कार हुआ। आज मेरे लिए बहुत भाई बने आए बोलो शिव बाबा मुस्कुराए शिव बाबा मेरे मस्तक के ऊपर 24 घंटे चमक रहे हैं। मैंने आप भी उठा लो थोड़ा एक्सरसाइज होता है कितने उठा लो बाबा मेरे मस्तक के ऊपर कितने घंटे किरणें पड़ रही है किरणें जा रही है। आज सुबह किसने अभ्यास किया वाह ताली बजा भाई के लिए। देखना ये आदत थोड़े दिन आपको ज्यादा लंबा समय अभ्यास करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक भाई मुझे मिलता है जब भी मिलता है कहता रमेश भाई कैसे हो खाना खाया आपने ये क्या आदत हो बचपन से जब जन्म हुआ था लेके आया था यहाँ हमने नई नई आदत को बनाया तो भी कुछ अच्छी आदत को हम बना ले जो बाबा मुर्ग भी कहता है। तैयार हो सबसे पहली आदत बाबा जो मुरली भी कहता है अम्मा मरे तो हलवा खाओ बीवी मरे तो बोलो ना सर बच्चे मरे तो मकान टूट गया सुना भी आ गई भूकंप आ गया पैर टूट गया। पहले ये चीज अपने ऊपर प्रयोग करना है दूसरों के ऊपर नहीं। पहले ज्ञान को स्वयं के ऊपर यूज करना है। अगर तीन शब्द हमारे जीवन में याद रह गया रह जाएगा जब आप आदत डालेंगे तीन शब्द जो हम सुनते भी आए हैं गीता में जो हो रहा है बोलो ना थोड़ा ठीक से नहीं माता है। अच्छा कल से पाउडर लगा रहे हैं नहीं कौन सी देखो कल शाम तक आपको श्रृंगार होनी है नाक की नुतनी हॉट की लिपस्टिक भाई लोग लगाएंगे ना। अरे ये वाली लिपस्टिक नहीं जो नारायण की देखो नेचुरल कितना अच्छी लाल है हॉट लाल है ना तो क्या रोज लिपस्टिक लगा के कहते हैं जो कलयुग में आर्टिफिशियल है वो नेचुरल ब्यूटी कैसे हमारे जीवन में बन जाएगा कल शाम तक आप सुनिए। तो सबसे पहले पाउडर लगाना शुरू करो कान में कुंडल पहनेंगे या नहीं नारायण भी पहना या नहीं हाँ जी तो बोलो सर कान में कुंडल चाहिए मस्तक पे तिलक चाहिए हाथ में कंगन चाहिए सर माता को तो बोलने की जरूरत नहीं हो प्रैक्टिस है इसलिए मैं इस पर ज्यादा पूछ रहा हूँ। तो सबसे पहले मेकअप करने से पहले पाउडर चाहिए है कि नहीं तो वो पाउडर मुस्कुराहट की लगा देनी है कौन सी फिर देखो आपके चेहरे से सचमुच बाबा प्रत्यक्ष होने वाला है। तो जो तीन शब्द है तीन लाइन है जो हो रहा है बहुत अच्छा जो हो गया बढ़ाते से करके बोलो जो हो गया जो होने वाला है आधा घंटे के बाद आपको कोई गाली देने वाला नहीं। अच्छा मेरे बारे में ऐसा या कहोगे वाह दो शब्द हैं आप उसको बढ़ा सकते हो या मिटा सकते हो या घटा सकते हो। अगर आपने एक्सप्रेशन गलत किया अच्छा तो और बढ़ने वाला है वाह कम होने वाला है गारंटी करके देखो। एक बार के अनुभव में सुना रहा हूं दो साल पहले सर यहां से आने के बाद 2016 में गए थे हम गोवा गए थे गोवा में भर्ती हुई बड़े अच्छी तरीके से ट्रेनिंग हुई आर्ट एंड कल्चरल का प्रोग्राम था तो वहां क्लासेस हुई सब कुछ वहां से रिटर्न किए
एक्सप्रेशन हम अरे भाई साहब हम स्पेशल एक्टर है कल ही हमने बोला था दुख वाली एक्शन नहीं करना लेकिन हमने तो गाना सुना है वो गाना सुना है आपने किसी की मुस्कुराहटों पे और निसार सुना है मैंने भी सुना है हाँ जी बोलो चलो मेरे साथ बात किसी की मुस्कुराहटों पे किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार किसी का दर्द ले सके तो ले उधार और एक बार किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार किसी का दर्द ले सके तो ले उधार किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार जीना इसी का नाम नहीं है बाबा कहते हैं दुख दो दुख लो ना दुख दो ना दुख लो वो दुनिया वालों ने गाना लिख दी किसी का दर्द ले सके तो ले उधार क्यों उधार लेंगे हम अरे उसके दर्द को मिटाना है उधार नहीं लेना है दर्द ले लेके कैसे दर्द लिया एक माता जी सब्जी काट रही थी अंगुली कट गई और चार माताएं पास में बैठे थे वो उसको इतना दर्द नहीं हुआ वो हाथ से पकड़ी थी लेकिन चार माताएं दर्द प्रकट कर रहे थे ओ क्या मुझे देर बैठे ना वो आई दर्द की वातावरण हम बनाते हैं आज पूरी प्रकृति को हमने बिगाड़ के रखा है पशु पक्षी नहीं हम अपने संकल्प से प्रकृति को बिगाड़ा हम ही संवारेंगे ना या ना तो दर्द लेना है किसी की दर्द हरना है मिटाना है लेना नहीं भस्म करना है आपने सुना भगवान नीलकंठ वो जहर पी पी के दुखी हो गए थे मुस्कुरा गए तो हमें भी सारे संसार की दुखों की गम को मिटाना है ना कि लेना है उधर नहीं है जिन्हें इसी का नाम है दर्द नहीं लेना है ना दुख दो ना दुख लो सुख दो जो हो रहा है तो जब हम गोवा से लौट के आए प्रोग्राम हो रहा था तो हम लौट के रात को 2 बजे आना पड़ा क्योंकि फ्लाइट उस समय थी तो फ्लाइट पकड़े 2 बजे आके पहुंचे अहमदाबाद में फिर वहां से ट्रेन पकड़े आए सुबह तो रात भर सोना नहीं हुआ कभी कभी ट्रैवलिंग ऐसे होती है रात भर ट्रैवलिंग करना पड़ता है तो पहुंचे हम कहां मधुबन में पहुंचे पहुंचने के बाद अपने कमरे में गए कमरे के नींद का तो असर था ही लेकिन इतना नहीं कि मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ जो भी है आया तो अपनी आटा चले के ऊपर रखना पड़ता है एक जगह अलमारी है बड़ा सा तो उसमें रखा मैंने जैसे ही रख रहा था प्लास्टिक कुर्सी के ऊपर चढ़ा हुआ था तो प्लास्टिक चेयर जो है फिसल गया और कुछ समय पहले हमें रूम चेंज किए थे तो हमें नई नई अलमारी मिली चेहरा सूखा के मिलू नई नई अलमारी भले मुझे मिली आपको तो नई नई अलमारी मिली तो नए अलमारी में जो कोना होता है ना पूरा ऐसे चाकू जैसा था ऐसे बना पाता तो मैं जो ऊपर से गिरा तो मेरी पीठ जो है पीछे वहीं पर लग गया और मैं बचने की तो कोशिश की लेकिन तब तक मैं गिर चुका था और वो अलमारी वो जो है पूरा घुस गया था अंदर महाभारत की लड़ाई आपने देखी हाँ जी बोलो कृष्ण रथ चला रहा था अर्जुन तीर मार रहे थे ये तो सभी को पता है लेकिन जब कर्ण ने तीर मारा हलचल हो गया डबाडोल हो गया रथ अर्जुन विचलित हो गए कि कृष्ण जी तुम साथ में हो फिर भी ऐसे हुआ क्यों लेकिन कृष्ण मुस्कुरा रहे थे लेकिन अर्जुन भयभीत हो गया चेहरा घबराहट हो गया तुम मत घबराओ तुम सोचो तुम्हारे साथ क्या कौन है लड़ते जाओ हाँ या ना तो बाबा मेरे साथ है थोड़ी सी एग्जाम आएगी तो क्या मुझे डर जाना है तो जैसे मैं धड़ाधड़ गिरा मेरे बाजू में भाई सोया हुआ था
वो नाइट ड्यूटी करता है रात्रि को, सुबह आता है गहरा नींद में सो जाता है, उसको पता नहीं मैंने रखा। जैसे मैं गिरा तो वो भाई ने सोचा कि मैं ही पहाड़ से गिर गया, आंखें खुल कैसे बगा पता ना कभी कभी सपने में, तो शायद सपने कुछ देख रहा था जो भी, लेकिन उसमें बाद में देखा ये तो रमेश नहीं गिरा हुआ है। और मेरे पीछे क्या घुस गया, वो जो लकड़ी अलमारी का था कोना, कितना अच्छा लगा होगा। लेकिन मैं एक अभ्यास करता हूँ, चोट लगी या कुछ भी हो, बढ़िया बढ़िया, दर्द तो हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था, मैं अगर आ ऊ करता क्या दर्द कम हो जाता। अंधेरे में हम दिया जलाते हैं ताकि प्रकाशवान बन जाए, ताकि राह में ठोकर ना लगे, ये प्रकृति का नियम है। जैसे ही शाम होती है चांद निकल के आ जाता है, जैसे घनघोर रात होती है तो सूरज निकल के आ जाता है, या चांद और सूरज ना हो तो हम खुद दिया जला लेते हैं। कभी किसी की मदद मिलती है तो कभी किसी की मदद मिलती है, लेकिन पुरुषार्थ तो मुझे स्वयं को करना है, करना या नहीं। तो कितना भी दुख हो गम हो, जो बाबा बोलने में कहता है अम्मा मरे बीबी मरे बच्चे मरे, कुछ भी हो जाए आने वाले कयामत समय पर अनेक आत्माओं को खुशी की शांति की शक्ति आपको बांटना है। पहले से अभ्यास करोगे तभी तो मिलेगी, नहीं अभी तो नहीं करोगे लास्ट समय तो हो जाएगा। ओलंपिक में कभी मुझे दौड़ने का शौक है, ओलंपिक में मुझे पहला प्राइज लेना है, लेकिन जिंदगी में एक कदम बढ़ाएंगे कभी दौड़ा नहीं। जिस दिन ओलंपिक का खेल होगा उसी दिन में दौड़ के पास हो जाना होगा। कितना लंबा समय इस बार की बाबा ने मुरली में कहा, बहु काल का अभ्यास चाहिए। तो जो हो रहा है बोलो ना, इतनी इतनी बातें कर रहे किसी की आवाज आ रही है, जो हो रहा है हाँ अभी लगा, सभी बोल रहे, सभी बोलो, कोई चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि ये भट्टी हमें करनी है, सुननी है। से जो हो रहा है, जो हो गया